रिद्धिमा, मैं तुम्हारे प्यार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पापा से जो वादा किया है वो मैं पूरा करके ही रहूंगा। इश्क में दीवानगी की हद से गुजर जाऊं, तेरे प्यार में आज मैं जी कर मर जाऊं। इश्क में जलते हैं हम रात दिन, मुझे बहुत प्यार करती हूँ अरमान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया अरमान, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरमान, I really love you, please मुझे माफ कर दो, मुझे अरमान, अरमान। आपको गलतफहमी हुई मैडम, आप ठीक तो है ना? प्रतिमा, तुम ठीक हो ना? पागल है यार। पागल नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अचानक कहाँ चला गया और तुम लोगों को ऐसे मैंने लेटर क्यों लिखा है। एनीवेज, वो सब बातें मैं बाद में आके बताऊंगा, सबसे पहले मुझे तुम सबसे एक प्रॉमिस चाहिए। मेरे आने तक संजीवनी को सही तरह से मैनेज करना, संजीवनी ने हमें बहुत कुछ दिया, इट्स टाइम टू पे बैक नाउ। तुम सब मेरे साथ हो ना? Got to go now. Bye. Sid. All right, guys. संजीवनी को और हमारे सीनियर्स को हमारी जरूरत है। Correct. और हम सब मिलके उनको सपोर्ट करेंगे। Promise. क्या कर रहा है, मरेगा क्या? चलो पकड़ जल्दी। अरे मरना क्या, चलती बस पकड़ रहा, जान से ज्यादा प्यारी है क्या? बस ये बस नहीं पकड़ता तो मर ही जाता। चलो बढ़ चलो। हाँ मैडम, यहाँ बोलिए टिकट, ये लीजिए आपका टिकट। ओ मैडम, टिकट तो लीजिए। एक्सक्यूज मी, हाँ सर, एक मिनट, आपके साथ हैं? हाँ मेरे साथ है। बोलिए ना, आपके साथ हैं।
कितना? दो टिकट? दो टिकट, दो टिकट, पांच टिकट। और मैं हूँ डॉक्टर नैना। आप अभी हॉस्पिटल में? टैल्कम पाउडर तो आप हैं मेरी डॉक्टर? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मुझे बहुत कुछ पता है। डॉक्टर नैना फ्रॉम बरूच। तो आप यहाँ इंटर्नशिप करने आई हैं? वाओ, यूजुअली डॉक्टर्स को अपने पेशेंट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन होती है, पर यहाँ तो केस उल्टा है। काफ़ी इन्फॉर्म लग रहे हैं आप। इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत है, आपके बारे में ही नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं ये भी बता सकता हूँ। नहीं करेंगे क्या? चेकअप? मेरा चेकअप नहीं करेंगे? पेशेंट नंबर 5 की रिपोर्ट्स लेके आओ। लेकिन यूवी प्लीज नैना, इस पेशेंट का चेकअप मैं करता हूं। तू यहाँ क्या कर रहा है राज? सुपर डुपर, एटलीस्ट तुम्हें मेरा नाम तो याद है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे राज में कुछ दिन आराम करने आया हूँ डॉक्टर युवराज। और युवी, मुझे तेरी डील अच्छी तरह याद है राज, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दे। अरे परेशान तो मैं हो गया हूं, इतने फोन किए तुझे, तुमने कोई फोन उठाया नहीं, फिर पता चला कि तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो फोन तो बिजी होना ही था। तो एक शरीफ आदमी की तरह सीधे सीधे यहां चला आया। अब तो तुझे मेरी कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। तेरा पेशेंट जो धमकी दे रहा है मुझे? नहीं, तुम तो गलत समझ रहे हो यार, मैं धमकाने में नहीं झटका देने में बिलीव करता हूं। दोनों में से ज्यादा क्या पसंद है ये तू सोच ले।
नहीं तो क्या? नहीं तो तेरी उस बुलबुल के सामने सारे राज खोल दूंगा तेरे। मुद्दे की बात कर। मुद्दे की बात तो यही है कि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दो, और बदले में तुम्हारी चाहत तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। नहीं तो तुम इंटेलिजेंट तो होगी तभी डॉक्टर बन पाए। हाँ डॉक्टर यूवी। तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शक। देख राज, पंजगनी आ गया। चलो पंजगनी लास्ट स्टॉप आ जाओ। काली करो आपको ये मेंटल इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? हाँ ये ज्यादा दूर नहीं, आगे जाके लेटर मिलेगा आपको। प्लीज जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज जोर से बोलिए ना। मिलेगा आपको कहाँ भाई साहब? प्लीज मुझे अपने अरमान तक पहुंचवा दो। अरमान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे अरमान से मिलवा दीजिए। हमसे हंसी हमसे खुशी है हमी से जिंदगी दिल दोस्त वहां ऐसा मंजर और कहां चले थे दोस्त बन के जाने कहां दिल मिल गए हम तो चले थे। भाई साहब यहाँ पर आपने एक आदमी को देखा येलो शर्ट ब्लैक बैग के साथ, यही पर था आपने देखा उसे? बहन जी ये बस स्टैंड है, हजारों मुसाफिर आते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हे भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल गए। ये तो वही पायल है जो अरमान मेरे लिए लाया था।
अरमान के लिए रिधिमा की चाहत कहीं उसे बर्बाद ना कर दे।